नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आगमन पर नगर परिषद अंबाला के सफाई कर्मचारियों ने मुख्य बाजारों में झाड़ू उल्टे करके प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिला प्रधान राजेंद्र चालान्या एवं सेवाराम की अध्यक्षता में किया गया। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के उप प्रधान सेवाराम भौत ने कहा कि नगर निगम पंचकूला के छटनी ग्रस्त 258 कर्मचारियों को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पद 6 दिसंबर 2019 के अनुसार अंबाला कर्मचारियों को पैरोल पर किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अंबाला के सफाई कर्मचारियों के पद सूचित किए जाएं और कच्चे कर्मचारियों को सरकार नियमित करे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश का राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमें एक मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि पंचकूला के अंदर जो नगर निगम पंचकूला के कमिश्नर है उसने बिना किसी नोटिस के अपने एक तानाशाह रवैये से ही 258 कर्मचारियों को काम से निकालकर 258 परिवारों का चूल्हा बंद करने का काम किया है, जो कि एक निंदनीय काम है। और इसी के एवज में आज पूरे हरियाणा में झाड़ू प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका और अगर हम बात करें तो मतलब कि आज हमारा हालात ऐसे कि सफाई कर्मचारियों को लाकर, जबकि ये सबसे निम्न तबके का कर्मचारी है जो समाज के निचले पायदान पर खड़ा है, आज इसी के साथ शोषण में शोषण किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग डिमांड सरकार से है कि जो पंचकूला में 258 सफाई कर्मचारी निकाले गए हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र वापसी काम पर लिया जाए। और इसी के साथ साथ यदि वो नगर निगम कमिश्नर पंचकूला से इन लोगों को काम पर नहीं देती तो आगामी 12 मार्च को हम DULB का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की। ठीक है जी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।